डियर स्टूडेंट्स, हमारी जियोलॉजी लेक्चर सीरीज में आज थर्ड लेक्चर है पैलेंटोलॉजी की। प्रीवियस लेक्चर में हमने फाइलम मोलस्का ही डिस्कस किया था। फाइलम मोलस्का जिसके थ्री क्लासेस है, बाइवेल्व, सेफलापोडा, गैस्ट्रापोडा। बाइवेल्व्स, सेफलापोडा, गैस्ट्रापोडा। आई एम रिपीटिंग अगेन, प्रीवियस लेक्चर में हमने फाइलम मोलस्का डिस्कस किया था। इसी फाइलम मोलस्का में तीन मेन क्लासेस है। नंबर वन इज बाइवेल्व्स, जिसका हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर दिया। नंबर सेकंड सेफलापोडा, नंबर थर्ड गैस्ट्रोपोडा। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस सेफलापोडा। आज हम सेफलापोडा डिस्कस करने जा रहे हैं। मॉर्फोलॉजी ऑफ सेफलापोडा, इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ क्लास सेफलापोडा। इसी सेफलापोडा को हम थ्री एस्पेक्ट्स में डिस्कस करने के प्रीवियस लेक्चर की तरह। नंबर फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस इट इज मॉर्फोलॉजी, एंड आफ्टर दैट इट इज क्लासिफिकेशन, एंड आफ्टर दैट इट इज डिस्ट्रीब्यूशन। नंबर फर्स्ट मॉर्फोलॉजी, नंबर सेकंड क्लासिफिकेशन, एंड नंबर थर्ड डिस्ट्रीब्यूशन। इनवर्टिब्रेट पैलेंटोलॉजी में हम लोग फाइलम मोलस्का की क्लास सेफलापोडा की मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स डिस्कस कर। इसी सेफलापोडा को हम थ्री मेन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स में डिस्कस करूंगा। फर्स्ट मॉर्फोलॉजी, आफ्टर दैट क्लासिफिकेशन, एंड आफ्टर दैट इट इज डिस्ट्रीब्यूशन। सो हम मॉर्फोलॉजी से ही शुरू करूंगा। मॉर्फोलॉजी सेफलापोडा, सेफलॉन मींस हेड, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस द मॉर्फोलॉजी ऑफ सेफलापोडा। मीन्स सेफलापोडा टू वर्ड से डिराइव हुआ है। सेफलॉन मीन्स हेड, पोडा मीन्स फुट। मीन्स इस इनवर्टिब्रेट की हेड फुट लाइक स्ट्रक्चर में पाए जाते, इसीलिए इसको सेफलापोडा कहा जाता है। हेड कुछ फुट लाइक स्ट्रक्चर में पाए जाते। यहां पर मैंने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखा दिया सेफलापोडा की शेल्स की। फॉर एग्जांपल, ये हमारी एक शेल की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। इस केस में शेल
कॉयलिट फॉर्म में, शेल्स पूर्व कॉयलिंग हुआ है लेकिन हॉरिजेंटल प्लेन पे कॉयलिंग हुई है, हॉरिजेंटल प्लेन पे कॉयलिंग हुई है। इस केस में शेल कॉनिकल फॉर्म में है, वर्टिकल कॉनिकल फॉर्म में, मीन्स वर्टिकली कॉनिकल फॉर्म में। अब इस शेल की केस में शेल कवेट फॉर्म में है, कवेट फॉर्म में यू। उसके बाद हमारे शेल के इस वाले पार्ट को, ऊपर वाले पार्ट को हम इंटीरियर कहा जाता है, जहां पर ये ओपन स्पेस पाए जाते, इसी ओपन स्पेस को हम एपर्चर के नाम से भी जाना जाता है। आफ्टर दैट इस वाले सेक्शन को हम पोस्टीरियर एंड कहा जाता है, इसी पोस्टीरियर एंड की इस पीक्ड वाले पोर्शन को हम प्रोटोकोंच कहा जाता है, प्रोटोकोंच। और इस इंटीरियर वाले साइड पे जहां ओपन स्पेस पाया जाता है, हम इसको एपर्चर कहा जाता है। उसके बाद इसी इनर वाले एम्प्टी स्पेस को कुछ लेयर्स, डिफरेंट चैम्बर्स में डिवाइड करते हैं, उन लेयर्स को हम सट्टा कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, दिस इज वन लेयर, दिस इज अनदर लेयर विच आर डिवाइडिंग दी इनर एम्प्टी स्पेस ऑफ दिस शेल। ये हमारे एक डिवाइडिंग पार्ट, सेकंड डिवाइडिंग पार्ट, और इस शेल को भी इनर पार्ट को कुछ लेयर्स डिवाइड कर रहे हैं, इसी चीज को हम सेप्टा कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, हमारी शेल के अंदर कुछ एम्प्टी स्पेस है। फॉसिल्स की केस में वी आर डिस्कसिंग फॉसिल्स, जो हमें फॉसिल्स के फॉर्म में मिलता है, उसी एम्प्टी स्पेस को कुछ लेयर्स डिवाइड करते हैं, इन लेयर्स को हम सेप्टा के नाम से जाने जाते हैं। फॉर एग्जांपल, यहां पर और एक डायग्राम दिखाया गया है। इस डायग्राम या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हमारी शेल एक्चुअल कवेट फॉर्म में है, कॉयलिड फॉर्म में, हॉरिजॉन्टली कॉयल्ड। फॉर एग्जांपल, इस पार्ट को हम प्रोटोकोंच कहा जाता है, लाइक दिस एंड लाइक दिस। एंड आफ्टर दैट इस वाले ओपन स्पेस को हम बॉडी चैम्बर और एपर्चर कहा जाता है। बॉडी चैम्बर, उस चैम्बर को कहा जाता है, लास्ट चैम्बर को, जहां पर सेफलापोडा का ऑर्गेनिज्म इस वाले चैम्बर में रहते हैं। फॉर एग्जांपल, प्रोटोकोंच से मुंह होके लास्ट इस बॉडी चैम्बर में ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट होते हैं, इसको हम बॉडी चैम्बर कहा जाता है। ये कुछ लेयर्स हैं जो इस इनर वाले एम्प्टी स्पेस को डिवाइड करते हैं, हम इनको सेप्टा कहा जाते हैं। और जिन स्पेस में ये डिवाइड कर रहे हैं, उनको हम सेप्टम के नाम से जाना जाता है। अब इसी सेप्टा, इन लेयर्स को कुछ डिस्को, कुछ कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर इनसे पास हो रहे, इसको हम साइफेंकल के नाम से डिस्कस किया जाता है। सो आफ्टर दैट हम मॉर्फोलॉजी की कुछ मेन इंपॉर्टेंट फीचर्स को डिस्कस करूंगा। सेफलापोडा की, अब इस चीज से आप क्लियर हो गई, सेफलापोडा किस नाम से डेरा हुआ है। फॉर एग्जांपल, सेफलॉन मींस हेड, पोडा मींस फुट। एक सॉफ्ट लेयर या डेलिकेट लेयर पाया जाता है, जिसको हम मेंटल कहा जाता है। प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने बताया, यही मेंटल या सॉफ्ट लेयर इनक्लोज्ड होते हैं एक शेल या एक्सोस्केलेटन से। हमारी शेल यूनिवेल सिंगल वेल, फॉर एग्जांपल, प्रीवियस लेक्चर्स में भी मैंने बताया, हमारी शेल के अंदर एक डेलिकेट लेयर पाए जाते हैं, इस लेयर को हम मेंटल कहते हैं। और वही मेंटल जिस केविटी या स्पेस को एनक्लोज करता है, उसको मेंटल केविटी कहा जाता है। इसी मेंटल केविटी के अंदर
हमारे ऑर्गेनिज्म जिसके 100 पार्ट एग्जिस्ट होते हैं। इसी मेंटल के बाहर से कुछ हार्ड पार्ट या एक्सोस्केलेटन्स पाए जाते हैं, इसी चीज को हम शेल कहा जाता है। और यही शेल एज ए फॉसिल्स डिफरेंट सेडिमेंट्री लेयर्स में डिफरेंट स्ट्रेटोग्राफिक सक्सेशंस में प्रिजर्व होते हैं, जिससे हम पास्ट लाइफ के बारे में स्टडी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये एक शेल की डायग्राम है, ये अनदर शेल की डायग्राम है, दिस इज ऑल्सो ए डायग्राम ऑफ थर्ड शेल। अब सेफलापोडा की केस में हमारी शेल यूनिवेल्स है। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता होने चाहिए ब्रेकियोपोडा की केस में हमारे पास दो शेल थे, वन वॉज द राइट साइड, अनदर वॉज द लेफ्ट साइड। और बाइवेल्विस की केस में भी हमारे पास दो शेल्स था, वन वॉज द राइट वेल, अनदर वॉज लेफ्ट वेल। लेकिन इस केस में यूनिवेल, यूनिवेल मींस एक ही वेल वाली शेल। फॉर एग्जांपल, एक ही वेल वाली शेल, एक ही वेल वाली शेल, एक ही वेल वाली शेल, इसमें कोई राइट लेफ्ट नहीं, एक सिंगल वेल पाए जाती इनकी शेल्स में। Now after that, another important points of morphology. एक pointed closed end पाई जाती है। प्रोटोकुंज, फॉर एग्जाम्पल इसकी बात करें, इस पॉइंटेड क्लोज्ड एंड को हम प्रोटोकुंज कहा जाता है। प्रोटोकुंज आफ्टर द ओपन एंड एक पाया जाता है, ओपन एंड। इस ओपन एंड को हम एपर्चुरल एंड कहा जाता है, एपर्चुरल एंड। आई एम रिपीटिंग अगेन, पहले ही बताया, इस शेल में इस पॉइंटेड एंड को हम प्रोटोकोंच कहा जाता है, जो पोस्टीरियर साइड में पाया जाता है। इसके बाद एंटीरियर साइड पर इस ओपन वाले एंड को हम एपर्चुरल एंड कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल इस केस में, क्वाइलिड फॉर्म की केस में, दिस इज द प्रोटोकोंच एंड दिस इज द एपर्चुरल एंड। Now after that, hypognomic sinus, एक और morphological feature that is hypognomic sinus। For example, यहां पर एक छोटा सा डिप्रेशन है, यहां पर एक छोटा डिप्रेशन है, इसी डिप्रेशन को हम हाइपोनोमिक साइनस कहा जाता है, हाइपोनोमिक साइनस। अब हाइपोनोमिक साइनस जिस साइड पे पाए जाते, इस साइड को हम वेंट्रल साइड के नाम से जाना जाए। फॉर एग्जांपल, हाइपोनोमिक साइनस इस साइड पर, इस शेल की उस साइड को हम वेंट्रल साइड कहेंगे जहां पर हाइपोनोमिक साइनस हो। इस केस में हाइपोनोमिक साइनस इस साइड से पाया जाए तो इस डिप्रेशन की बात करें, इसको हम वेंट्रल साइड कहा जाए। और इसी हाइपोनोमिक के ऑपोजिट वाले साइड को हम डोर्सल साइड कहा जाता है। इजी है याद रखने के लिए, हाइपोनोमिक साइड, हाइपोनोमिक साइनस इस डिप्रेशन से बात कर रहे हैं, जिस साइड में पाए जाते हैं दैट साइड इज नोन एज वेंट्रल एंड ऑपोजिट टू दैट साइड इज नोन एज डोर्सल। उसके बाद हम शेल्स की बात कर रहे हैं, शेल्स की फॉर्म, किस फॉर्म में शेल पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्ट्रेट शेल, स्ट्रेट भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, बेलेमिनाइड्स की केस में,
slightly curved or quiet. क्राइटोसीरास की केस में अब उसके बाद हम शेल के फॉर्म्स की बात करें। फॉर एग्जाम्पल या तो हमारे शेल स्ट्रेट होगा, इस केस में शेल स्ट्रेट, फॉर एग्जाम्पल बेलेमिनाइड्स एक सेफलोपोडा के फॉर्म में जिसमें शेल स्ट्रेट पाया जाता है लाइक दिस वन, या स्लाइडली कर्व्ड या कॉइलेट फॉर्म, फॉर एग्जाम्पल स्लाइडली कर्व्ड, यहां पर शेल थोड़ा बहुत कर्विंग दिखा रहे, ये भी शेल का एक फॉर्म, या कॉइलेट, लेकिन इस केस में जहां शेल टोटली कर्व दिखाती है, फॉर एग्जाम्पल क्राइटोसीरास एग्जाम्पल है जिसमें शेल या तो इस फॉर्म की तरह स्लाइडली कर्व्ड है या टोटली कॉइलेट फॉर्म की फॉर्म में है। नाउ आफ्टर दैट अनदर इंपॉर्टेंट फीचर, हम बात करेंगे क्वाइलिंग की फॉर्म में। फॉर एग्जाम्पल जहां शेल इस फॉर्म में क्वाइलिंग दिखाते हैं, क्वाइलिंग भी टू टाइप्स के होता है, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में क्वाइलिंग दिखाते हैं, फॉर एग्जाम्पल इस केस में क्वाइलिंग दिखा रहे हॉरिजॉन्टल प्लेन में, एंड सेकंड फॉर्म इज वर्टिकल प्लेन, फॉर एग्जाम्पल इस तरह वर्टिकल प्लेन में भी क्वाइलिंग दिखाती है, क्वाइलिंग ऑफ द शेल, शेल की क्वाइलिंग। हॉरिजॉन्टल प्लेन इसी हॉरिजॉन्टल प्लेन वाले क्वाइलिंग को हम डिस्क्वाइडल भी कहा जाता है, याद रखना डिस्क्वाइडल। अनदर वन इज वर्टिकल प्लेन, वर्टिकल प्लेन को हेलिक्वाइडल, आई एम रिपीटिंग। हम क्वाइलिंग की बात करें, फॉर एग्जाम्पल हमारे शेल यूं क्वाइलेट फॉर्म में पाया जाता है, मींस कुछ क्वाइलिंग दिखाते हैं, फॉसिल्स की बात करें, क्वाइलिंग अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन पे हो लाइक दिस वन, हम इसको डिस्कॉइडल कहा जाएगा, अगर क्वाइलिंग वर्टिकल प्लेन में, फॉर एग्जाम्पल क्वाइलिंग यूं वर्टिकल प्लेन में जा रहे, इस वर्टिकल क्वाइलिंग को हम हेलिक्वाइडल कहा जाता है। दिस वॉज सम इंपॉर्टेंट फ्यूचर्स रिगार्डिंग क्वाइलिंग। आफ्टर दैट क्वाइलिट फॉर्म्स की अगर हम बात करें, इसमें कुछ वर्ल्स पाया जाता है, इन्हीं वॉल्स की गैप को वोरल गैप कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे क्वाइलिट फॉर्म ऑफ शेल है, ये हमारे क्वाइलिट फॉर्म ऑफ शेल, इसमें कुछ वॉल्स पाया जाता है, फॉर एग्जाम्पल इस शेल में ये हमारा एक वॉरल बन गया, दिस इज द वन ऑफ वॉरल, वॉरल ये हमारा एक बरल, दिस इज द अनदर वन एंड दिस इज द थर्ड वन। अब क्वाइलिट फॉर्म में शेल्स वर्ल्स का बना होता है लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस, अब यही वर्ल्स या तो एक दूसरे से स्प्रेड भी हो सकता है, एक दूसरे के साथ टाइटली क्लोज भी हो सकता है, या एक दूसरे के साथ जस्ट एडजेसेंट और टचिंग ईच अदर भी हो सकता है। अगर एक दूसरे से सेपरेट हो उस गैप को हम वर्ल गैप कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर इस वर्ल और इस वर्ल के बीच में कुछ स्पेस हो, उस गैप या स्पेस को हम वर्ल गैप के नाम से जाना जाता है। क्वाइलिट फॉर्म में वी आर डिस्कसिंग अबाउट क्वाइलिट फॉर्म ऑफ द शेल्स की हम बात, जहां क्वाइलिंग नहीं
तो इस टाइप के वर्ड्स नहीं पाए जाते, पॉसिबिलिटी नहीं है। इंटीरियर ऑफ शेल्स डिवाइड होते हैं कुछ सेक्टर्स से। नंबर वन, आफ्टर दैट चैम्बर इंक्रीज इन साइज प्रोब टोकन टुवर्ड्स एपर्चर। चैम्बर साइज में इंक्रीज होती है प्रोटोकोन से, प्रोटोकोन से एपर्चर की टुवर्ड्स। उसके बाद एक पीछे स्पेस छोड़ने, इसको सेप्टम कहा जाता है। सेप्टम, लिसन टू मी, फॉर एग्जांपल हमारे शेल की इंटीरियर की बात कर रहे हैं, इन शेल्स की इंटीरियर स्पेस की बात कर रहे हैं। इन इंटीरियर स्पेस को कुछ लेयर्स या पार्ट्स, इनको कुछ चैम्बर्स में डिवाइड करते हैं, उस स्ट्रक्चर को हम सेप्टा कहा जाता है। फॉर एग्जांपल यहां पर हम इस सेक्शन को सेप्टा कहा जाता है जो इन शेल्स को डिवाइड कर रहा है, सेप्टा। इस सेक्शंस को सेप्टा कहा जाता है जो इन शेल्स को डिवाइड कर रहा है। फॉर एग्जांपल यहां पर जो रेड कलर से बनाई है, इनको हम सेप्टा कहा जाता है जो इनको डिफरेंट चैम्बर्स में डिवाइड कर रहा है, इस शेल के इंटीरियर सेक्शन को। इस शेल के इंटीरियर सेक्शन को इन सेप्टा जब डिवाइड करते हैं तो कुछ अलग अलग चैम्बर्स और एम्प्टी स्पेस रहते हैं, उन्हीं एम्प्टी स्पेस को हम सेप्टम कहा जाता है। और एक इंपॉर्टेंट पार्ट, फॉर एग्जांपल सेफलोपोडा का सॉफ्ट पार्ट या एनिमल बॉडी ऑफ द एनिमल जब ओरिजिनली ग्रो होता है तो वो प्रोटोकोन से शुरू हो जाते हैं, क्योंकि साइज उस एनिमल का, इनवर्टिब्रेट ऑर्गेनिज्म का, बहुत स्मॉल। तो धीरे धीरे पासिंग ऑफ द टाइम, टाइम के स्पान के साथ साथ एनिमल बॉडी जैसे जैसे ग्रो होते रहते हैं तो साइज में इंक्रीज हो जाती है। ये टुवर्ड्स किसके टुवर्ड्स मूव करते हैं, लास्ट वाले चैम्बर या बॉडी चैम्बर। दैट मीन्स एनिमल जब अल्टीमेट ग्रोथ स्टेज पर पहुंचते हैं तो वो इस बॉडी चैम्बर या लास्ट वाले, उस लार्ज चैम्बर में रहते हैं। तो शुरू हुई ग्रोथ प्रोटोकोन से और लास्ट पर अल्टीमेट एनिमल इस बॉडी चैम्बर में रहते हैं। अब बॉडी चैम्बर के अलावा पीछे कुछ स्पेस लेफ्ट रहते हैं, उन्हीं खाली स्पेस को हम सेप्टम के नाम से जाने जाते हैं। सेप्टम, उन स्पेस की बात करो, फॉर एग्जाम्पल इस बॉडी चैम्बर में हमारा एनिमल लास्ट स्टेज पर रहते हैं तो पीछे जितने स्पेसेस रहा यहां से लेकर होल इस सफर तक, तो पीछे वाले खाली स्पेस को हम सेप्टम कहा जाते हैं। सेप्टम, सेप्टा इज अनदर थिंग, सेप्टम इज अनदर। नाउ आफ्टर दैट मैंने एक इंपॉर्टेंट चीज ये बताया कि हमारा एनिमल बॉडी चैम्बर में रहते हैं, मींस इस लास्ट वाले चैम्बर में। अब इस चैम्बर में, बॉडी चैम्बर या लास्ट चैम्बर में हमारा एनिमल सेफलोपोडा का सॉफ्ट पार्ट एग्जिस्ट हो, तो जो खाली चैम्बर्स पीछे रहा जिनको हमने सेप्टम बताया, बैलेंस ऑफ द शेल के लिए वो एयर से फिलिट होती है, एयर से फिलिट होती है, एयर फिलिट होती है, एयर फिलिट बैलेंस ऑफ द शेल के लिए, शेल की बैलेंस के लिए बॉडी चैम्बर में हमारा ऑर्गेनिज्म या सेफलोपोडा एग्जिस्ट रहते हैं। तो खाली स्पेस या चैम्बर्स पीछे जो लेफ्ट हुआ शेल की बैलेंस के लिए वो एयर प्लेट होती है। और एक इंपॉर्टेंट फीचर साइफंकल की बात करते हैं। साइफंकल
साइफेंकल मैंने पहले ही बताया, दिस इज अवर बॉडी चैम्बर। इस बॉडी चैम्बर के पीछे जो खाली चैम्बर लेफ्ट हुआ है इनको सेप्टम कहा जाता है। अब इन्हीं खाली चैम्बर, इन्हीं सेप्टम या खाली चैम्बर से एक एक सिलेंडर कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर पास, फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस वन। इस सिलेंडर कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर को, इस सिलेंडर कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर को हम साइफेंकल कहा जाता है। सिलेंडर कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर बॉडी चैम्बर के बाद जितने भी खाली चैम्बर लेफ्ट हुआ है उन्हीं इम्पिटी चैम्बर से एक सिलेंडर कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर पास होते, इसको हम साइफेंकल कहा जाता है। और जहां यही सिलेंडर कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर या साइफेंकल इस सेप्टा से कट करते हैं उस सेक्शन को हम नेक कहा जाता है। नेक इसके बाद सुच्योर लाइन। अब मॉर्फोलॉजी में द लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज सुच्योर लाइन। सुच्योर लाइन, टू टाइप्स ऑफ सुच्योर लाइन, वन इज सिंपल, अनदर इज कॉम्प्लेक्स। सिंपल उस फॉर्म्स में पाज, फॉर एग्जांपल नॉटिलॉइड या एग्जाम्पल दे रहा हूं। कॉम्प्लेक्स एमोनोडिया में पाई जाती है। मैंने पहले ही बताया प्रोटोकॉन्स इस पीक वाले या पॉइंटेड एंड को कहा जाते हैं और इस ओपन वाले सेक्शन को हम एपर्चुरल एंड कहा जाता है। इसी प्रोटोकॉन्ज और एपर्चुरल के बीच में जो खाली एम्प्टी स्पेस है उसको कुछ लेयर्स डिवाइड करते हैं, उन लेयर्स को हमने सेप्टा बताया। फॉर एग्जांपल दीस आर द सेप्टास, दीस आर द सेप्टास। इसी तरह यहां भी सेप्टास इन खाली एम्प्टी स्पेस को डिवाइड करते हैं। यही सेप्टा या वो डिवाइडिंग लेयर जब एक्सटर्नल शेल के साथ टच करते हैं उस पोर्शन को हम सुच्योर लाइन के नाम से जाता है। सुच्योर लाइन, सुच्योर लाइन। फॉर एग्जांपल ये दोनों हमारे सेप्टा है, जब यही सेप्टा एक्सटर्नल शेल के साथ टच करते हैं इसको हम सुच्योर लाइन कहा जाता है। सुच्योर लाइन, सुच्योर लाइन। फॉर एग्जांपल यहां पर भी सेप्टा एक्सटर्नल सरफेस के साथ जिस पोर्शन से टच करते हैं उसको हम सुच्योर लाइन कहा जाता है। यहां पर भी हम इसको सुच्योर लाइन कहा जाए, सुच्योर लाइन। इस केस में यही सेप्टा जब एक्सटर्नल सरफेस के साथ टच करता है हम इसको सुच्योर लाइन कहा जाता है। लेकिन हमारे पास वी हैव टू टाइप्स ऑफ सुच्योर लाइन, वन इज सिंपल अनदर इज कॉम्प्लेक्स। सिंपल जिन फॉर्म्स में पाए जाते हैं उसको हम नॉटिलॉइड या कहा जाता है और कॉम्प्लेक्स जिस फॉर्म में पाया जाता है हम इनको एमोनॉइड या कहा जाता है। दिस वाज सम मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग द मॉर्फोलॉजी ऑफ सेफलोपोडा। अब आफ्टर दिस आई एम गोइंग टू डिस्कस क्लासिफिकेशन एंड इट इज डिस्ट्रीब्यूशन। So, उससे पहले मैं आपको सुच्योर लाइन के एक थोड़ा डायग्राम दिखा देता हूं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे एक शेल है, हमारी शेल की सरफेस पर इसको हम सुच्योर लाइन कहा जाता है। जहां सेप्टा इसके साथ टच करते हैं इसी को हम कॉम्प्लेक्स सुच्योर लाइन कहा जाता है। कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स सुच्योर लाइन इसी को कहा जाता है। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस एन ओवरव्यू क्लासिफिकेशन ऑफ सेफलोपोडा। क्लासिफिकेशन ऑफ सेफलोपोडा,
मॉर्फोलॉजी डिस्कस कर लिया, क्लासिफिकेशन, बेस्ड ऑन सूचर लाइन, सूचर लाइन की बेस पर हमने सेफलोपोडा को तीन इंपॉर्टेंट सब क्लास में डिवाइड किया है। नंबर वन नाउटिलोइडिया, नाउटिलोइडिया। नंबर सेकंड एमोनोइडिया, एमोनोइडिया। नंबर थर्ड डाइब्रैंकिया, सूचर लाइन की बेस पर, सूचर लाइन की बेस पर क्लासिफाई किया हमने सेफलोपोडा को थ्री टाइप्स। नंबर वन नाउटिलोइडिया, नंबर सेकंड एमोनोइडिया, नंबर थर्ड डाइब्रैंकिया। पीसी जैन की बुक से आपको फर्दर क्लासिफिकेशन वगैरह पढ़ने, पीसी जैन की बुक से, पीसी जैन की पैलेंटोलॉजी बुक से आपको पढ़नी है। पीसी जैन की पैलेंटोलॉजी बुक में अच्छे से ले आऊंगी। Now after classification, I am going to discuss some important points about distribution of cephalopoda. अब हम discuss करना जा रहे हैं cephalopoda की distribution के बारे में, distribution, geological distribution. जियोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स सेफलोपोडा किन जियोग्राफिक कंडीशन में, किन जियोलॉजिकल कंडीशंस में, किस हैबिटेट्स में एग्जिस्ट होंगे और इनकी एज क्या है, यही चीज है जिसका। नंबर फर्स्ट एज, कैम्ब्रियन टू प्रेजेंट डे, कैम्ब्रियन टू प्रेजेंट डे मीन्स कैम्ब्रियन से लेकर प्रेजेंट डे तक सेफलोपोडा एग्जिस्ट रहे, मीन्स सेफलोपोडा अभी लिविंग फॉर्म्स में भी पाए जाते हैं और फॉसिल्स की फॉर्म में भी हमें मिलते हैं। और जिस चीज के हम यहां से स्टडी कर रहे हैं वो हम फॉसिल्स के बारे में, पास्ट लाइफ्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं। मीन्स कैम्ब्रियन से लेकर पैलियोजोइक, कैम्ब्रियन, ऑर्डोवेशियन, सिल्यूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफरस, परमियन, पैलियोजोइक की बेस से लेकर प्रेजेंट डे तक सेफलोपोडा की एज है, मीन सेफलोपोडा लिविंग फॉर्म में भी एग्जिस्ट है और फॉसिल्स फॉर्म में भी। आफ्टर दैट मरीन एनिमल, मरीन एनिमल, मरीन एनवायरमेंटल कंडीशन में पाए जाते हैं, मरीन टेरेस्ट्रियल पे नहीं, मरीन, मरीन एनिमल। फॉर एग्जांपल बेंथोनिक जोन में पाए जाते हैं, बेंथोनिक जोन। नंबर सेकंड शेलो वाटर की जोन में, नंबर थर्ड पेलेजिक जोन, द लास्ट वन इज एबेसल जोन। आई एम रिपीटिंग, हमने बताया कि सेफलोपोडा मरीन एनवायरमेंटल कंडीशन पे रहते हैं, टेरेस्ट्रियल पे नहीं। इसी मरीन एनवायरमेंटल कंडीशन को कुछ जोन्स में डिवाइड किया गया है, सी की सरफेस पार्ट्स को भी और वाटर वाले जोन्स को डिफरेंट जोन्स में डिवाइड किया। फॉर एग्जांपल सेफलोपोडा बेंथिक जोन में एग्जिस्ट रहते हैं, शेलो वाटर जोन में एग्जिस्ट रहते हैं, पेलेजिक जोन में एग्जिस्ट रहते हैं, एबेसल जोन में एग्जिस्ट रहते हैं। तो ये थी हमारे सेफलोपोडा की मॉर्फोलॉजी, क्लासिफिकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कुछ ओवरव्यू डिस्क्रिप्शन। थैंक यू वेरी मच।